चलिएगा, तो हम सीक्वेंस में चीज़ों को समझते हैं जो ये इवेंट्स हुए हैं बंगाल को जीतने के क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो वो शुरू से ही दस्तक का क्या करता है, विरोध करता है। और पुरानी जो स्थिति थी, समझ गए ना, तो जैसे मुर्शिद कुली खान के समय पर जो कंडीशन थी ट्रेड की या व्यापार की 1717 के पहले, उस स्थिति में लाने की कोशिश करता है, ठीक है, बराबर स्थिति लाने की कोशिश करता है, बराबर पोजिशन लाने की कोशिश करता है व्यापार में, ठीक है। अब कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो युद्ध की ओर लेकर जाते हैं। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले आप लोग अगर उस समय को समझें, उस स्थिति को समझें, तो आप सबसे पहली चीज आप ये समझेंगे कि 1756, 1756 में क्या हुआ, यूरोप में बैटल ऑफ सेवन ईयर, यूरोप में बैटल ऑफ सेवन ईयर शुरू हो गया, या सेवन ईयर बैटल शुरू हो गया, ठीक है। और जब सप्तवर्षी युद्ध शुरू हुआ तो इंडिया में इन लोगों की जितनी जितनी फैक्ट्रियां थी, जो जो कारखाने थे ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपने अपने फैक्ट्रीज को, अपने अपने कारखानों को किलेबंदी करना शुरू की, उनका फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया, क्योंकि एक दूसरे से डर था युद्ध का, ठीक है, अटैक का। तो बंगाल में भी इन लोगों की जो फैक्ट्रियां थी वहां पे ये लोग किलेबंदी करने लगे। जैसे चंद्रनगर जो फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी, उन्होंने वहां पे किलेबंदी की। और अंग्रेजों ने, जैसे हुगली हो गया या कासिम बाजार हो गया या कलकत्ता में जो इनकी फैक्ट्री थी, वहां पे इन्होंने किलेबंदी करने की कोशिश की, खासतौर से कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, ठीक है। कलकत्ता एक बड़ा क्षेत्र था जो इनके नियंत्रण में था, इनके कब्जे में था। तो इन पर्टिकुलर रीजन पर इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, किलेबंदी करना शुरू कर दिया। तो पहला कारण जो बनता है डिस्प्यूट का, वो क्या बनता है, किलेबंदी शुरू की गई, ठीक है। कंटेम्प्रेरी कारण, पुराना कारण जो चला आ रहा है वो दस्तक वाला प्रश्न है, ठीक है, दस्तक का जो मिसयूज हुआ है उसका, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आ गई कि किलेबंदी की जाने लगी। अब आप बताइए कि अगर किलेबंदी की जा रही है दो फैक्ट्रियों के द्वारा, दो यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा इंडिया में, तो इस चीज से सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा एंगर, गुस्से में कौन आएगा, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो गवर्नमेंट है, उस रीजन के जो रूलर्स हैं, उन्हें इस बात से काफी प्रॉब्लम होगी। और ऐसा ही हुआ, सिराजुद्दौला को जब ये पता चला कि ये दोनों कंपनियां अपने अपने फैक्ट्रीज की क्या कर रही हैं, किलेबंदी कर रही हैं, तब उसने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया, ठीक है। तो ये पहली घटना घट गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब सिराजुद्दौला आदेश देता है दोनों कंपनियों को, है ना, दोनों कंपनी के अधिकारियों की, कि आपको अपनी अपनी किलेबंदी क्या कर देना है, गिरा देना, ठीक है, अपने फोर्टिफिकेशन को खत्म कर देना है, तब फ्रेंच जो थे वो तो उस सिराजुद्दौला की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी किलेबंदी को रोक देते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स की अगर बात की जाए तो ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो अपनी किलेबंदी को नहीं रोकते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके जो सितारे थे वो अभी आसमान पर थे। सितारे आसमान पे क्यों थे, वो इतने स्ट्रोंग कंडीशन में क्यों थे, उनमें इतना करेज कैसे आ गया था, ठीक है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया था, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं टाइम जो चल रहा है वो 1756 चल रहा है, और सेकेंड कार्नेटिक वॉर आप लोगों को पता है साउथ में बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, क्लाइव के नेतृत्व और वाटसन के नेतृत्व में, समझ गए, साउथ में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर आप लोगों ने देखा है, हम डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जो 1749 से 1754 तक चला, लगभग लगभग, समझ गए ना। तो इस दौर में कौन सा युद्ध चल रहा था, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, और सेकेंड कार्नेटिक वॉर में बड़ी विजय मिली है किसे, ब्रिटिशर्स को। खासतौर से सबसे ज्यादा नाम यहां पे हुआ है किसका, क्लाइव का, ठीक है। क्लाइव की लीडरशिप में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को धूल चटा दी थी सेकेंड कार्नेटिक वॉर में, बड़ा प्रॉफिट उन्हें हासिल हुआ था। तो इस विजय से काफी इनके हाथ पैर अभी फूले हुए हैं, काफी ये अभी आसमान पर चढ़े हुए हैं, और इसी के कारण इन्होंने, जब नवाब ने जो आदेश दिए, नवाब ने जो ऑर्डर दिए हैं उनको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब नवाब के जब आदेश मानने से इनकार कर दिया है, ठीक है, तो इस बात से नवाब काफी नाराज है, काफी गुस्से में, ठीक है। और ये एक दूसरा कारण बनता है कि जब नवाब के आदेश को इन्होंने नहीं माना है, नवाब के ऑर्डर को इन्होंने फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब जब इन्होंने नवाब के आदेश को नहीं माना और अपने फैक्ट्रीज की किलेबंदी की जाने लगी, तो इस चीज से नवाब नाराज तो हुए, लेकिन
नवाब की नाराजगी और डायरेक्ट नवाब के द्वारा अटैक करने में एक और भी रीजन था, एक और भी कारण था, ठीक है। नवाब को इस बात की शंका होने लगी थी, नवाब इस बात से आसक्त थे कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेज या ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसकी दुश्मन है, वो ये बात समझ चुके थे या वो समझ रहे थे, ठीक है। और दूसरी चीज, इस कंपनी के द्वारा या इस कंपनी के साथ उसके दुश्मन भी साथ में मिल गए हैं, जैसे कि जो शौकत जंग था या उसी के जो दूसरे राइवल्स थे जो नवाब बनना चाह रहे थे, है ना, वो जो उसकी मौसी का पुत्र था वो भी क्या कर रहा था, अंग्रेजों के साथ मिल गया था। इस बात का भी डर था, इस बात की भी शंका थी किसे, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को ये डर था कि उसके जो राइवल्स हैं, उसके जो दुश्मन हैं, वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं या अंग्रेज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही उसे इस बात की शंका हो जाती है तो वो क्या करता है, वो हमला बोल देता है, ठीक है, वो अटैक कर देता है, ठीक है। वो अटैक कहाँ कर देता है, वो अटैक कर देता है कासिम बाजार में, ठीक है, कासिम बाजार में, हुगली में, कलकत्ता में, ठीक है, इन तीन चार जगहों पे वो अचानक से हमला कर देता है जून 1756 में। तो जून 1756 में, जून 1756 में क्या किया गया, हमला किया गया है किसके द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा, किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। ईआईसी कंपनी की जो फैक्ट्रियाज थी, जो कारखाने थे हुगली में, कासिम बाजार में और कलकत्ता पर, वहां पे इन्होंने अचानक से हमला बोल दिया, ठीक है। कासिम बाजार पर अटैक किया गया सबसे पहले, और देन फिर कलकत्ता पर अटैक किया गया, और जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम को पूरी तरह से इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, और वहां पे जो अंग्रेज थे उन्हें क्या कर दिया, मार डाला, ठीक है। कुछ अंग्रेजों को मार डाला, कुछ को कैद कर लिया, और कुछ वहां से भाग निकले, ठीक है, कुछ वहां से आजाद होकर भाग गए, ठीक है। तो इस तरह से ना इन्होंने बंगाल को या कलकत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया, एक विक्ट्री टाइप में हम बोल सकते हैं, एक विजय बोल सकते हैं, ये विक्ट्री उसे हासिल हो गई, ठीक है। और इसी दौरान ना एक घटना घटती जिसे ब्लैक होल एक्सीडेंट या ब्लैक होल दुर्घटना भी कहा जाता है। ब्लैक होल जो इवेंट है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, देखिए इतिहास में ना ब्लैक होल के बारे में ठीक ठाक से बताया नहीं गया है, तो कई लोग, कई इतिहासकार इसे सिर्फ इसे ओरिजिनल घटना नहीं मानते, इसे सिर्फ दिखावा या सिर्फ बहकाने वाली बात बोली जाती है, और कई इतिहासकारों का बोलना है कि ऐसा एक इवेंट हुआ था। तो एक व्यक्ति है, एक ब्रिटिश पर्सन है जिसका नाम था जॉन हॉलवेल। जॉन हॉलवेल ने अपनी अपनी बुक में, अपनी किताब में ये कहा है कि जो ये इवेंट हुआ था ब्लैक होल, ये 20 जून 1756 की घटना है, 20 जून 1756 का इवेंट है, कौन सा, ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल जो एक्सीडेंट हुआ वो 20 जून 1756 को हुआ। अब देखिए चीजें सीक्वेंस में समझना आप लोग। सबसे पहले मैंने बात की है कि सेवन ईयर वॉर तो चल रहा था, ठीक है, ये तत्कालिक कारण हुआ कि इन लोगों ने अपना फोर्टिफिकेशन किया। उसके पहले सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो था उसमें अंग्रेजों की जो बड़ी विजय हुई थी, और उस कारण से ये जो फूले हुए थे और उन्होंने नवाब की आज्ञा को पालन करने से इनकार कर दिया, यानी कि वो नवाब को एक छोटा मोटा व्यक्ति समझ रहे हैं, नवाब उनके लिए कोई बड़ा आदेश नहीं है, नवाब का आदेश कोई बहुत बड़ा ऑर्डर उनके लिए नहीं है, ठीक है, ये चीज हो जाती है, ये कुछ आप लोगों को आधार बन जाते हैं। अब क्या होता है, जून 1756 में जब अंग्रेज नवाब के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, और नवाब को ये आशंका होती है, नवाब को ये डाउट होता है कि उसके जो राइवल्स हैं, खासतौर से घसीटी बेगम और शौकत जंग, घसीटी बेगम और शौकत जंग अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं या अंग्रेज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस बात की जैसी आशंका होती है वो जून में अटैक कर देता है किसके ऊपर, हुगली, कासिम बाजार और बंगाल के ऊपर, ठीक है, कलकत्ता के ऊपर, और वहां पे अंग्रेजों को खदेड़ देता है। और उसी दौरान एक एक्सीडेंट, एक घटना देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक होल एक्सीडेंट, जो होता है 20 जून 1756 को। इतिहासकारों को इस मुद्दे पर, इस इवेंट के ऊपर हल्का सा डाउट है, कई लोग इसे मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। जो जॉन हॉलवेल इतिहासकार हैं, जो ब्रिटिश पर्सन है, उनके अनुसार, उनकी रचना में उन्होंने ये बात कही है, ये इवेंट हुआ था और एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से रूम में क्या किया गया था कि 146 ब्रिटिशर्स को या अंग्रेजों को कैद किया गया था, बंदी बना लिया गया था, और एक दिन पूरा कैद रहने के बाद, तीन दिन तक रहने के बाद, जब इसके गेट को खोला गया तो सिर्फ 23 लोग ही उसमें से क्या हुए थे, जीवित बचे थे, समझ गए ना, 123 लोगों की उसमें जान गई थी 146 में से, और 23 लोग क्या हुए थे, जीवित बचे थे। और जो जीवित बचे थे, जो जिंदा बचे थे, वो वहां से निकल कर भाग जाते हैं
और भागकर अपने जहाजों से एक फुलटा आइलैंड होता है, एक फुलटा द्वीप होता है, वहां पर जाकर छुप जाते हैं। ठीक है, तो फुलटा आइलैंड पर जाकर छुप जाते हैं, फुलटा द्वीप पर जाकर ये अपनी अपना शरण ले लेते हैं, समझ गए ना, किससे बचकर। हालांकि सिराजुद्दौला चाहता तो उन्हें वहां पर कैप्चर कर सकता था, बट अब सिराजुद्दौला जो था वो अपने विक्ट्री में, अपनी विजय में काफी ज्यादा खुश था, और वो उस खुशी में ये चीज भूल गए कि कुछ लोग यहां से निकलकर भाग चुके। ठीक है, अभी क्या हुआ कि बंगाल सॉरी कलकत्ता को कैप्चर कर लेने के बाद अपने कुछ योग्य, अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को कलकत्ता में अपॉइंट करकर ये अपने कैपिटल, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर लौट जाता। ठीक है, मुर्शिदाबाद लौटता है, उसके पहले वो मुंगेर की ओर जाता है, जहां पे सोकत जंग से निपटने की वो कोशिश करता है, और फिर मुर्शिदाबाद की ओर रुख करता। ठीक है, अब यहां पे ना इसकी जो दूरदृष्टिता है उसमें जो उसकी जो कमी है वो हमें दिखाई देती है। इस दौरान अब वो एक रिलैक्स मोड में चला गया, सिराजुद्दौला क्या हो चुका है, रिलैक्स मोड में चला गया है, और उसको पता ही नहीं है कि उसने कितनी बड़ी हिमाकत कर दी है, और उसने जो मधुमक्खी का छत्ता है उसमें हाथ डाल दिया। जैसा कि अलीवर्दी खान जो इसी के नाना थे वो कहा करते थे कि अंग्रेज जो है वो एक मधुमक्खी की तरह है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जिसको अगर प्यार से सहलाया जाए तो वो हमें शहद देंगे, और अगर उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी करी तो वो हमें काट लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने वही गलती की है, इन्होंने अंग्रेजों को छेड़ दिया है, और छेड़ने के बाद रिलैक्स मोड में चला गया है, अपनी आरामदायक जीवन को वो बिताने के लिए अपनी राजधानी की ओर वो चला गया। ठीक है, अब इस दौरान क्या हुआ कि कुछ अंग्रेज फुलटा आइलैंड पर चले गए थे, और वहां से उन्होंने संदेश पहुंचाया था रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास में गवर्नर जनरल था, या मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, अब रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन बड़ी सी आर्मी लेकर कहां पहुंचते हैं, वो लोग पहुंचते हैं कहां पर, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में इनकी सेना पहुंच जाती है, कलकत्ता में एक बड़ी आर्मी लेकर ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ये आर्मी जैसे ही आती है, अगर हम बात करें तब तक 1757 का दौर रह जाता है, फरवरी का महीना शुरू हो जाता है, फरवरी में ये बड़ी सेना यहाँ पर पहुंच जाती है, कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है, अब कलकत्ता में जैसे ही ये सेना आती है तो नवाब के जो ऑफिसर्स नवाब अपॉइंट कर गया था, सिराजुद्दौला जो कलकत्ता में ऑफिसर्स को अपॉइंट करके गया था, उन्हें अंग्रेज अपनी ओर मिला लेते हैं, उन्हें लालच देकर उन्हें अपनी ओर कर लेते हैं। ठीक है, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में नवाब और अंग्रेजों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, एक संधि की जाती है। ठीक है, दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, और उस ट्रीटी की अगर बात की जाए, उस संधि की अगर बात की जाए, तो संधि को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर, इट मींस अलीनगर की संधि। तो यहाँ पे एक इवेंट और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर या अलीनगर की संधि। ट्रीटी ऑफ अलीनगर की बात की जाए तो फेब 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ये संधि होती है। ठीक है, मजबूरी के कारण वो ये संधि साइन करता है अंग्रेजों के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, और इस संधि के प्रोविजंस ये होते हैं, इस संधि के प्रावधान ये होते हैं कि कलकत्ता वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में रहेगा, उनका जो फोर्टिफिकेशन वो कर रहे थे वो करते रहेंगे, फोर्टिफिकेशन से नहीं रोका जाएगा, किलेबंदी से नहीं रोका जाएगा, साथ ही कलकत्ता में जो निशुल्क व्यापार वो कर रहे हैं, जो फ्री ट्रेड वो कर रहे हैं, वो उसी तरह से जारी रहेगा जिस तरह से वो पहले किया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे प्रोविजंस हुआ होते हैं इस संधि में, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, और ये जो अलीनगर की संधि है, इसके माध्यम से अंग्रेजों को वो सारे राइट्स तो मिल जाते हैं जो पहले से थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को और भी ज़्यादा राइट्स की, और भी ज़्यादा सहूलियत की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, तो लेकिन ये डायरेक्टली उन पर्टिकुलर डिमांड्स को नहीं रख रहे हैं, जो डिमांड्स उनके दिमाग में है, जो वो चाह रहे थे, डायरेक्टली उन्होंने नहीं रखी अलीनगर में, अभी उन्हें कुछ टाइम चाहिए था, अभी उन्हें कुछ समय चाहिए था। अलीनगर की संधि हो जाने के बाद इनकी डिमांड्स या इनके जो प्रॉफिट्स थे वो और बढ़ने लगे हैं, इनके हित और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, और इसलिए उन्हें समझ में आ गया है कि अब हमें और डिमांड रखना चाहिए। लेकिन और ऑब्वियसली कि उन्हें पता है कि सिराजुद्दौला उनकी डिमांड को कभी पूरा नहीं करेगा, है ना, तो ये बात इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से कंफर्म थी कि हमें सिराजुद्दौला के साथ युद्ध तो लड़ना ही होगा। ठीक है, और सिराजुद्दौला चूंकि अंग्रेजों के साथ ट्रीटी किया था, और इस ट्रीटी के कारण कई सारी चीजें थी जिससे सिराजुद्दौला अपने आप को अपमानजनक
फील कर रहा था, ठीक है, एक अपमान, एक डिसरिस्पेक्ट उसे फील हो रही थी, क्योंकि अंग्रेजों के साथ उसे एक संधि करना पड़ी, एक विदेशियों के साथ उसे एक संधि करना पड़ी, ठीक है। तो अब उसे भी पता था, मजबूरी में उसने संधि करी थी, तो उसे भी पता था कि उसे भी युद्ध करना है, और अंग्रेजों को भी पता था कि अगर हमें और डिमांड पूरी करना है तो सिराजुद्दौला के साथ तो युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी या उतनी उनमें उतना करेज नहीं था कि वो डायरेक्टली युद्ध कर सकें किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अलीनगर की संधि के बाद एक कंस्पायरेसी करना शुरू की, एक षड्यंत्र करना शुरू किया, ठीक है, एक कंस्पायरेसी की गई, एक षड्यंत्र किया गया, और षड्यंत्र के माध्यम से, कंस्पायरेसी के माध्यम से नवाब के जितने भी ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े पद पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे, ठीक है, बड़े बड़े जो आर्मी के जो कमांडर थे, सैन्य कमांडर थे, लाइक मीर जाफर हो गया, राय दुर्लभ हो गया, अमीचंद हो गया, उमीचंद हो गया, ठीक है, इन सभी को धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपनी ओर मिला लिया। फैमिली या परिवार के लोगों की बात की जाए तो उन्हें भी क्या कर लिया, अपनी ओर मिला लिया। और ये कंस्पायरेसी जब पूरी हो गई, जब ये षड्यंत्र पूरा हो गया, देन फिर एक ऐसी इवेंट होता है, एक ऐसी घटना होती है, और उसके बाद दोनों के बीच में वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। देखिए, जब इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र कर लिया, जब पूरा कंस्पायरेसी कर ली, और सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को अपनी ओर कर लिया लालच दे देकर, जैसे मीर जाफर को ये लालच दिया गया कि जब युद्ध होगा और युद्ध में हम जीत जाएंगे तब हम आपको बंगाल का अगला नवाब क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह बाकी के जो ऑफिसर्स थे, जैसे राय दुर्लभ, राजवल्लभ, राय दुर्लभ की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा बैंकर माना जाता था बंगाल का, अमीचंद, ठीक है, ये या इनकी बात की जाए तो ये बड़े बड़े पद पर बैठे हुए ऑफिसर्स थे, ठीक है, यार लुफ्त खान भी एक आर्मी का कमांडर हुआ करता था, तो ये बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी ओर इन्होंने किया था, ठीक है, अब लालच दे देकर, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सारी स्ट्रेटेजी अंग्रेजों की काफी सक्सेसफुल चल रही थी, क्लाइव के नेतृत्व में सारी चीजें सही लाइन में चल रही थी। अभी आगे क्या होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं, 1757 में, 1757 में जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी, जो फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी, ठीक है, जिसका नाम था चंदर नगर, आज के समय चंदन नगर बोलते हैं, चंद्रनगर पर हमला करते थे, ठीक है। चंद्रनगर पर ये जैसे ही हमला बोलते हैं, वैसे ही सिराजुद्दौला आग बबूला हो जाता है, और सिराजुद्दौला अपनी प्रभुत्वता पर, अपनी संप्रभुत्वता पर एक थ्रेट मानता है, एक नुकसान मानता है, और वो डिक्लेयर कर देता है कि अब वो अटैक करेगा किस पर, अंग्रेजों पर, अंग्रेजों पर हमला करेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, ठीक है। अब फ्रांसीसियों पर जब हमला किया तो फ्रांसीसी किसको सपोर्ट करेंगे, सिराजुद्दौला को सपोर्ट करेंगे, और सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी यहाँ पे एक हो गए हैं, हालांकि फ्रांसीसी इतनी ज्यादा संख्या में नहीं है, बट कुछ उनका सपोर्ट यहाँ पे सिराजुद्दौला को मिलेगा। तो सिराजुद्दौला ने अब एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है, खुले तौर पर युद्ध घोषित कर दिया है, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, और युद्ध डिक्लेयर हो चुका था, अब युद्ध दोनों के बीच में होना था, लेकिन इट वॉज नॉट अ बैटल, इट वॉज ओनली अ स्टोरी ऑफ कंस्पायरेसी, ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र की कहानी है, क्योंकि युद्ध में जो सेना थी, एक तरफ सिराजुद्दौला की और एक तरफ अंग्रेजों की, इन सेनाओं में काफी डिफरेंस था, और एक्चुअल में युद्ध हुआ ही नहीं था। हालांकि कुछ एक ऐसे आर्मी कमांडर थे जो, जैसे मोहनलाल हो गया या एक नाम और आता है, ये लोग ईमानदारी के साथ युद्ध लड़ रहे थे, बाकी जितने भी इनके सैन्य कमांडर थे, आर्मी कमांडर थे, ये सब के सब अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे, जैसे राजवल्लभ, अमीचंद और एक नाम जो मैंने बताया मीर जाफर, जो मुख्य मीर बख्शी था या मुख्य सेनानायक था किसका, मुख्य आर्मी कमांडर था किसका, सिराजुद्दौला का, ठीक है। सिराजुद्दौला के इन आर्मी कमांडरों ने अपनी सेना को ऑर्डर ही नहीं दिया, आदेश ही नहीं दिया, और युद्ध हुआ नहीं, ठीक है, ये लोग एक स्थान पर ही खड़े रहे, और सिराजुद्दौला को मजबूरी में आकर, ठीक है, युद्ध छोड़कर भागना पड़ा, और सिराजुद्दौला जब युद्ध छोड़कर भागा तब मीर जाफर जो सेनापति था उसी के पुत्र के द्वारा सिराजुद्दौला की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इस तरह से बंगाल को अंग्रेजों ने इस षड्यंत्रकारी युद्ध के माध्यम से, इस कंस्पायरेसी के माध्यम से प्लासी के युद्ध में अपना कब्जा कर लिया बंगाल पर, ठीक है। तो ये जो युद्ध में बात कर रहा हूं, इस युद्ध का नाम क्या है, इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को प्लासी नामक एक स्थान पर, जो कि एक विलेज था, एक गांव है, और ये जो जगह है प्लासी,
ये अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद से कुछ डिस्टेंस पर 30 माइल्स 30 मील साउथ में पड़ती है, जबकि अगर हम बात करें कलकत्ता से तो काफ़ी डिस्टेंस पर है, कलकत्ता से काफ़ी दूरी पर है और मुर्शिदाबाद से कुछ दूरी पर आती है। ठीक है, तो ये जो पलासी नामक विलेज था वहाँ पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हम बोलते हैं बैटल ऑफ पलासी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और सिराजुद्दौला जब भाग कर गया तब उसे उसकी हत्या कर दी है किसने, मीर जाफर के पुत्र ने। ठीक है, अब ये देखिए इस युद्ध का अगर रिजल्ट देखा जाए ना, इस युद्ध का परिणाम देखा जाए तो इस युद्ध का जो रिजल्ट है वो, अगर यहाँ पे हम परिणाम की बात करें तो पहली चीज ये आती है कि अब बंगाल का जो नवाब है वो अंग्रेजों की कठपुतली बन जाएगा, अंग्रेजों का पपेट रूलर बन जाएगा, और वो कौन होगा, वो होगा मीर जाफर। तो अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब डिक्लेयर कर देते हैं, मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो दूसरी चीज, इस युद्ध में हमें स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी वो नहीं होता, यानी अंग्रेजों का जो जो वॉर स्किल थी, जो युद्ध कौशल था, वो यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि युद्ध हुआ नहीं था। ठीक है ना, युद्ध में कोई भी उनके द्वारा रणकौशल नहीं दिखाया गया था, तो युद्ध की जो उनकी कला थी, युद्ध की जो उनका करेज था, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये हमें पता चलता है बैटल ऑफ बक्सर में, जब बक्सर में युद्ध होता है और 50,000 की सेना के सामने 5 या 7 हज़ार की ब्रिटिश फोर्स के बीच में युद्ध लड़ा जाता है और ब्रिटिशर्स उन्हें पराजित कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें अंग्रेजों की जो वॉर स्किल है, जो युद्ध कौशल है, वो पता चलती है, बट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी हमें कोई भी वॉर स्किल यहाँ पे क्लियर नहीं होती, किसकी, अंग्रेजों की। ठीक है, हालांकि साउथ में वो लोग काफ़ी अच्छा कर चुके थे अपने कॉम्पिटिटर्स फ्रांसिसियों के साथ। तो इस तरह से ये युद्ध लड़ा जाता है और रिजल्ट मैंने बताया कि मीर जाफर अब बंगाल का नवाब बन गया है और मीर जाफर के माध्यम से अंग्रेज उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अंग्रेजों का ही रूल बंगाल पे शुरू हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड बताया, एक आधार बता दिया है बैटल ऑफ पलासी का। तो अब हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बंगाल में दो पावर थी, एक फ्रांस और दूसरी कौन सी, दूसरी थी अंग्रेज। फ्रांस की जो फैक्ट्री थी वो चंद्रनगर में थी और अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वो फोर्ट विलियम या कलकत्ता के पास, पूरा कलकत्ता को ही इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। ठीक है ना, अच्छा, अंग्रेज लोग क्या करते थे ना, अंग्रेज लोगों की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि इनके जो व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये लोग तो टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि दस्तक के माध्यम से मिसयूज करके बिना टैक्स दिए ट्रेड कर रहे थे। ऊपर से अगर बात की जाए तो इन लोगों ने क्या किया कि जो इंडियन ट्रेडर्स कलकत्ता में सामान बेचते थे, जो भारतीय माल कलकत्ता जाता था, क्योंकि कलकत्ता इनके नियंत्रण में था, तो जो भारतीय माल कलकत्ता पहुंचता था उस पर ये लोग क्या करते थे, और ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, जिसे महसूल कहा जाता था उस समय, तो और ज़्यादा महसूल ये वसूलते थे। अब आप बताइए कि इन लोगों का जो माल है वो टैक्स फ्री है, इस कारण वो सस्ता बिक रहा है, लेकिन जब इनके एरिया में इंडियन माल जब जाता है, इंडियन गुड्स जब जाते हैं, तो ये उस पर ट्रेड, उस पर टैक्स क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बताइए, जब ऐसी हरकत की जा रही होगी किसी विदेशी के द्वारा अपनी टेरिटरी में, तो वहां का रूलर, वहां के राजा को क्या करना चाहिए, और वही काम अभी अब जाकर किसने किया, सिराजुद्दौला ने किया। जब उसे सहनशीलता खत्म हो गई, जब उसकी सहने की क्षमता ही खत्म हो गई, और जब अंग्रेजों के द्वारा ऐसी हरकत की जाने लगी कि उनके क्षेत्र से भारतीय माल के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया, महसूल वसूला जाने लगा, तब जाकर सिराजुद्दौला ने इन पर क्या किया, हमला बोला, या इनके इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को बंद करने की कोशिश शुरू कर दी। ठीक है, तो ये चीज को समझना है। तो मैंने बोला कि बंगाल में दो पावर्स थी, एक फ्रांस, दूसरी अंग्रेज, फ्रांसीसियों की कंपनी चंद्रनगर थी और अंग्रेजों की फोर्ट विलियम थी जो कलकत्ता का जो एरिया था। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बनता है, ये फ्रांस और अंग्रेज अपनी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू कर देते हैं। ये सिराजुद्दौला के नवाब बनने के कारण नहीं होता, इसका कारण मैंने यहाँ पे बताया, 756 में 7 ईयर बैटल शुरू हो जाता है यूरोप में, इस कारण ये लोग अपनी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी शुरू कर देते हैं। ठीक है, किले बनाना शुरू कर देते हैं, फोर्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं अपनी अपनी फैक्ट्रियों के लिए, क्योंकि इन्हें डर था कि ये आपस में एक दूसरे से लड़ लेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही इस बात का पता चलता है सिराजुद्दौला को, तो वो एक आदेश जारी करता है दोनों कंपनियों को, है ना, दोनों ही कंपनियों को ये आदेश दिया जाता है कि आप अपनी किलेबंदी को बंद कर दीजिए। फ्रांस इस बात को मान जाते हैं और किलेबंदी को रोक देते हैं, लेकिन जो अंग्रेज है वो किलेबंदी को बंद नहीं करते हैं। और अंग्रेज क्यों किलेबंदी को बंद नहीं करते, क्योंकि उस समय उनकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो सातों आसमान पर होती है, वो इतने फूले हुए होते हैं। क्यों फूले थे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने अभी अभी सेकेंड कार्नेटिक वॉर में,
यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांसीसियों को बुरी तरह धूल चटाई थी, ठीक है। साउथ इंडिया में काफी अच्छी पोजीशन पर आ गए थे, ठीक है, कौन? ब्रिटिशर्स। तो इस कारण से ये नवाब के आदेश को कोई बहुत बड़ा आदेश नहीं मानते हैं और एक छोटी सी ऑर्डर ये समझते हैं और अपनी किलेबंदी को नहीं रोकते, ठीक है। अब जब ये किलेबंदी को नहीं रोकते हैं तो यहाँ पे डाउट क्रिएट होने लग जाता है किसके माइंड में? सिराजुद्दौला के माइंड में। और सिराजुद्दौला अब अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानने लग जाता है और साथ ही वो ये भी समझता है कि हो सकता है कि जो उसके दुश्मन है लाइक शौकत जंग और जो घसीटी बेगमी, वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी बात से नाराज होकर वो क्या कर देता है? हमला कर देता है जून 1756 में, कहां पर? फोर्ट विलियम में, है ना, जून 1756 में कासिम बाजार, फोर्ट विलियम, बंगाल। फोर्ट विलियम पर हमला बोल देता है और इसी हमले के दौरान आप सभी को पता है कि ब्लैक होल एक्सीडेंट या ब्लैक होल इवेंट होता है जो 20 जून 1756 में होता है, ब्लैक होल एक्सीडेंट, जो जॉन होलवेल अपनी अपनी बुक या अपनी रचना में बताते हैं, क्योंकि उसके पहले किसी और इतिहासकार के द्वारा इस घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो एक प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है या दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई किसके बारे में? सिराजुद्दौला के बारे में, कि क्या हुआ है कि एक छोटे से कमरे के अंदर 146 ब्रिटिश सिटीजन्स को क्या किया गया था, 20 जून को कैद कर दिया गया था, 20 जून की इवनिंग के लगभग इन्हें कैद किया गया था 14x18 14x18 के कमरे में, 14 फिट और 18 फिट, है ना, 14 फिट चौड़ा और 18 फिट लंबे एक कमरे के अंदर इन लोगों को कैद किया गया था जो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, जिनमें से सिर्फ 23 ही जीवित बचे थे जब अगले दिन की सुबह को जब गेट खोला गया, है ना, तब क्या हुआ, सिर्फ देखिए 20 जून को कैद किया है और 23 जून को गेट खोला है, तो आप लोग समझ सकते हैं 20 जून की इवनिंग और फिर 23 जून की मॉर्निंग को गेट खोला गया, तो उस कमरे में से सिर्फ 23 लोग ही जीवित बचे, बाकी सारे लोग क्या हो गए थे? मर गए थे, ठीक है। ये घटना को ही बोला जाता है ब्लैक होल एक्सीडेंट, ठीक है। फिर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन वापस आ जाते हैं, है ना, वो जो 23 लोग जिंदा बचे थे वो लोग फुल्टा आइलैंड पर चले जाते हैं और बुला लेते हैं अंग्रेजों की फोर्स को, और फिर वॉटसन और क्लाइव अपनी बड़ी फोर्स लेकर कहां पहुंचते हैं? कलकत्ता पहुंचते हैं। ये लोग कलकत्ता जाते हैं जनवरी 1757 में, ये लोग कहाँ आ गए? कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता आने के बाद कलकत्ता और फोर्ट विलियम को वापस से ये अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। फरवरी 1757 में फिर क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है जो मैंने बताया यहाँ पे, फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों को इस संधि से क्या क्या प्रॉफिट मिलते हैं? तो पहली बात तो ये, अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती जो पहले से थी, वही इन्हें पूरी तरह से परमिशन मिल गई, ठीक है। अंग्रेजों के कॉइन्स को भी अब चलाया जाने लगेगा क्योंकि इनको कॉइन्स ढालने की या कॉइन्स को सर्कुलेशन करने की भी क्या हो गई, परमिशन मिल गई ट्रीटी ऑफ अलीनगर से। साथ ही इन्होंने ये भी कोशिश की कि एक दूसरे के बीच में शांति बनी रहेगी, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, सिराजुद्दौला और अंग्रेज एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखेंगे। तो ये जो ट्रीटी थी, ये जो संधि थी, ये संधि दोनों के बीच में की गई, लेकिन इस संधि से ना तो अंग्रेज खुश थे ना ही सिराजुद्दौला खुश था, ठीक है। ना तो ब्रिटिशर्स इस संधि से काफी हैप्पी थे और ना ही ऑब्वियसली सिराजुद्दौला तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये बात तय हो गई कि ये दोनों खुश नहीं थे और ये युद्ध जो था वो ऑब्वियसली होना था दोनों के बीच में, ये चीज क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। ना तो अंग्रेज खुश थे ना ही सिराजुद्दौला, और युद्ध संभवतः होना लाजमी बन गया था, ठीक है। सिराजुद्दौला अंग्रेज कंपनी को बहुत हल्के में लेता है, ठीक है। सिराजुद्दौला क्या करता है, अंग्रेज कंपनी को हल्के में लेता है, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और फेब 1757 से जून 1757, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये टाइम मिल गया था अंग्रेजों को अलीनगर की संधि के बाद, और अलीनगर यहाँ पे आराम से नहीं बैठे हैं, जबकि सिराजुद्दौला हल्के में ले रहा है चीजों को और वो अपनी राजधानी में बिना कोई तैयारी कर रहा है, कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा। हालांकि उस समय वो परेशान था किस चीजों से, आप लोग टाइम को समझें और पॉलिटिकल कंडीशन को समझें इंडिया की। ये दौर चल रहा है 1757-56 का, और इस समय इंडिया का जो उत्तरी हिस्सा वाला क्षेत्र है, जो नॉर्दर्न रीजन है, दिल्ली, आगरा, है ना, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे कंटिन्यूसली इन्वेजन्स हो रहे थे किसके, कंटिन्यूसली अटैक हो रहे थे किसके, अफगानियों के, है ना। तो यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम उसके साथ में ये भी थी कि इसे डर था कि अहमद शाह अब्दाली उसके ऊपर हमला कर सकता है, और दूसरा मराठों के अटैक हमेशा हुआ करते रहते थे बंगाल पर, तो वो दो चीज़ों से और परेशान था, और वो अपने पास एक बड़ी फोर्स अपने साथ रखना चाहता था। तो कलकत्ता में बड़ी आर्मी रखने के सिवाय वो अपने पास मुर्शिदाबाद में भी एक बड़ी सेना रखना चाह रहा था,
ठीक है। तो उसके साथ भी कई प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली की प्रॉब्लम उसको लग रही थी, एक मराठों के इन्वेजन की प्रॉब्लम उसको लग रही थी, और साथ ही वो अंग्रेजों को हल्के में ले रहा था, क्योंकि उसे लगता नहीं था कि ये जो विदेशी कंपनी है इतनी पावरफुल होगी, इतनी स्ट्रेंथफुल होगी। तो यहाँ पे तीन ओर से वो भी परेशान था, ठीक है। अब वो क्या करे, ये चीजें उसके सामने भी थी। लेकिन क्या होता है, फेब 1757 की अगर हम बात करें, से लेकर जून 1757 तक अंग्रेज लोग अच्छी खासी कंस्पायरेसी कर लेते हैं, अंग्रेज लोग अच्छा खासा षड्यंत्र कर लेते हैं, और क्या करते हैं, बंगाल के नवाब की अगर हम बात करें ना, तो बंगाल के नवाब की पावर और स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं कि उसमें कितनी पावर होने वाली है और वो कितना उसमें स्टेबल रह पाएगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है, ऑब्वियसली किसी भी रूलर के लिए स्टेबल या अगर पावर की बात की जाए, तो उसे अपनी आर्मी का सपोर्ट मिलना चाहिए, उसे अपनी सेना का सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेज लोग ये जानते हैं कि नवाब की स्ट्रेंथ का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, उसकी आर्मी है, उसकी फोर्स है, और अगर नवाब को या किसी भी रूलर को अगर सेना का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी पावर का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, समर्थन किसका होना चाहिए, सेना का, ठीक है। और यही चीज अंग्रेजों को पता थी, इसलिए उन्होंने मीर जाफर और जितने भी सुप्रीम कमांडर थे उस समय बंगाल की सेना के, उन सबको षड्यंत्र के माध्यम से अपनी ओर कर लिया। दूसरा, बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन, क्योंकि बंगाल अपने ट्रेड व्यापार के लिए ही जाना जाता था, बंगाल में बड़े बड़े व्यापारी थे, बैंकर्स थे, और उनका बंगाल के नवाब को सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। तो अगर ये सपोर्ट यहाँ पे हट जाता है तो वेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, आर्मी पर प्रभाव पड़ेगा, सेना या सैनिकों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ना कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्हें अंग्रेजों ने अपनी ओर कर लिया है ताकि नवाब को और कमजोर किया जा सके। फैमिली के सपोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वो तो किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा कारण ही कौन होता है, फैमिली होती है, और अगर फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो व्यक्ति का डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली इसी बात का फायदा उठाया और शौकत जंग और साथ ही घसीटी बेगम को अपनी ओर कर लिया किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। और अगर बात की जाए चौथे पॉइंट की, तो यहाँ पे कुलीन वर्ग का समर्थन यानी इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान लोगों का समर्थन भी मिलना जरूरी होता है, राजा को या नवाब को, जो अंग्रेजों ने किसकी ओर कर लिया था, अपनी ओर कर लिया था। इन सभी वर्ग के लोगों को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने परिवार में घसीटी बेगम, शौकत जंग को अपने पक्ष में किया, कमांडर जो मीर जाफर था, यार लुफ्त खान था, इन्हें अपनी ओर मिला लिया। बड़े बड़े जो अधिकारी थे, जैसे राय दुर्लभ है, जगत सेठ है, अमी चंद है, राजवल्लभ जो बैंकर था, इन सभी को अपनी ओर कर लिया, ठीक है। इन सभी को इन्होंने क्या कर लिया, लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया था। और इसी तरह से, इस माध्यम से इन्होंने सिराजुद्दौला को कमजोर करने की कोशिश की। अब अंग्रेज पूरी तरह तैयार थे, पूरी तरह ये प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुके थे, और अब वेट कर रहे थे कि कैसे भी युद्ध स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, उसका कारण मैंने आप लोगों को बताया, उसका रीजन मैंने बताया कि अलीनगर की संधि का एक प्रावधान था कि शांति, एक दूसरे की टेरिटरी पर हमला नहीं करना है। कि क्या प्रावधान था, कि एक तो शांति और दूसरा एक दूसरे की टेरिटरी पर हमला नहीं करना है। और तभी क्लाइव क्या करता है, क्लाइव चंद्रनगर में जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी उस पर हमला कर देता, ठीक है। और जैसे ही फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर हमला किया जाता है, तो अलीनगर की जो ट्रीटी है वो खत्म हो जाती है, अलीनगर की संधि के प्रोविजन तोड़ दिए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, और यहीं पर पृष्ठभूमि, यहीं पर कारण तैयार हो जाता है बेटल ऑफ प्लासी का। क्योंकि ऑब्वियसली ये अपनी प्रभुत्वता पर, अपनी संप्रभुत्वता पर एक थ्रेट मानता है, अपनी सोवरनिटी को एक थ्रेट मानता है, जो ये हमला किया गया है चंद्रनगर पर, फ्रांसीसी बस्ती पर, ठीक है। और फिर शुरू हो जाता है बेटल ऑफ प्लासी, जो लड़ा गया 23 जून 1757, 23 जून 1757 को। ये एक युद्ध नहीं बल्कि एक कहानी है किसकी, षड्यंत्र की। दैट वॉज नॉट अ बैटल, इट वॉज ओनली अ स्टोरी ऑफ कंस्पायरेसी। और कंस्पायरेसी की अगर बात की जाए, तो जनरल अगर हम बात करें कंस्पायरेसी की, तो अभी मैंने जो बताया, इन सभी को युद्ध के पहले ही क्या कर लिया गया, अपनी ओर मिला लिया गया। द बैटल टुक प्लेस एट प्लासी। प्लासी की बात की जाए तो ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, और 150 किलोमीटर की अगर बात करें, नॉर्थ है कलकत्ता से, कलकत्ता के नॉर्थ में 150 किलोमीटर आता है। और अगर बात की जाए किसकी, मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद के साउथ में 30 माइल है, 30 माइल साउथ में आता है किसके, मुर्शिदाबाद। ये चीज आप लोग समझें, ये चीज मैंने आप लोग बताई। और इस युद्ध में ऑब्वियसली क्या हाल हुआ था, तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था, उसे भागना पड़ा और उसकी हत्या कर दी गई मीर जाफर के पुत्र के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे की हम चीजों के ऊपर गौर करते हैं। अब